माई पीस हारमनी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद शकील सैफी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली नुपुर शर्मा को गलत ठहराते हुए मुस्लिम समाज का उनके प्रति गुस्सा जायज बताया। शकील सैफी ने हुजूर के जीवन के एक वाक्य की दलील दी और कहा, मुस्लिम समाज से यह भी अपील करता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक जहीफा कूड़ा डाल दिया करती थी, लेकिन अल्लाह के नबी ने उनको भी माफ कर दिया। जिसमें जितनी अकल होती है वह उतनी बात करता है। लिहाजा मैं सभी मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करता हूं कि देश में शांति और भाईचारा कायम करने के लिए नुपुर शर्मा को माफ कर देना ही मुनासिब होगा। हम अपने देश की छवि को वर्ल्ड में कभी भी धूमिल नहीं होने देंगे। सभी लोग नुपुर शर्मा को हुजूर की शान में दिए गए बयानों पर माफ कर दें। मैं यही अपील सभी मुसलमान भाई से करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री व गृह मंत्री के नेतृत्व में देश में भाईचारा वर्ल्ड में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करे और नुपुर शर्मा की गुस्ताखी की सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद देगा। प्रति मुसलमानों का जो विरोध है उसमें आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने हुजूर के ऊपर टिप्पणी की थी? देखिए, विरोध तो जायज है सभी मुस्लिम समाज के लोगों का, लेकिन मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिससे देश का माहौल ना बिगड़े, देश में आपसी भाईचारा ना बिगड़े। ठीक है, जितनी जिसको अकल होती है उसने उतना बोला है, उसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपशब्द बोला है, उसका खंडन मैं भी करता हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं आप लोगों से, इस देश के मुसलमानों से, मैं पूरे वर्ल्ड के लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ, मोहम्मद शकील सैफी चेयरमैन वर्ल्ड पीस हारमनी, कि हमें नुपुर शर्मा को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जो बुढ़िया हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंका करती थी, तो उसको भी उन्होंने माफ़ किया और अम्मा को गले लगाया। ठीक है, जिसमें जितनी समझ होती है उसने उतना किया है, तो अल्लाह के वास्ते हमें अपने देश की भलाई के लिए, अपनी कौम की भलाई के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें नुपुर शर्मा को माफ़ कर देना चाहिए। मेरी आप सभी से गुजारिश है और आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको इस देश की तरक्की के लिए, इस देश की उन्नति के लिए हमें नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए और मोदी जी का साथ देना चाहिए, माननीय श्री अमित शाह जी का साथ देना चाहिए। मैं फिर एक बार आप सभी लोगों से अपील करता हूँ कि आप नुपुर शर्मा को माफ़ किया जाए, अल्लाह भी इंसाफ छोड़ दिया जाए कि अल्लाह उसका इंसाफ करेगा और माफ़ कर दिया जाए।